न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव में महाबुलिया विसर्जन करने गए दो सगे भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बगेटा गाँव का है, जहाँ बिसंडा थाना क्षेत्र के पलहरी गाँव के रहने वाली अमृता बेटी मानसिंह उम्र करीब 10 साल और प्रिंस जिसकी उम्र करीब 8 साल है, दोनों अपने ननिहाल बगेटा गांव आए हुए थे। सोमवार की शाम दोनों भाई बहन आपस में गांव के अन्य बच्चों के साथ महाबुलिया खेलने के लिए गांव के तालाब में गए। तभी खेलते समय तालाब के गहरे पानी में दोनों भाई बहन डूब गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। आज थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम बगेटा में प्रिंस कोटारे और अमृता कोटारे नामक दो बच्चों की ननिहाल में तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि प्रिंस कोटारे और अमृता दोनों ही मान सिंह के पुत्र पुत्री हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष है। ये बच्चे अपने गांव पलहरी से ननिहाल में यहां आए थे और तालाब में नहाने के लिए गए थे, जहां गहरे पानी में पैर फिसल करके चले गए और उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। ये मेरे गांव में दो बच्चे हैं, राम सजीवन कोटारे के नाती हैं। ये ननिहाल आए थे और पता नहीं उस तालाब में चार चक्कर तार लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों को मरना था। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से झोपड़ियां जलकर राख हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ चोंगे स्थित एक मारुति शोरूम के सामने की घटना बताई जा रही है। CSN PG कॉलेज के सामने बाउंड्री से सटाकर कई झोपड़ियां रखी गई थी, अवैध तरीके से बनाई गई। कॉलेज के बाहरी दीवार किनारे झोपड़पट्टी, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। देवरिया मामले पर लोगों ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। बता दें कि तहसीलदार रुद्रपुर की कोर्ट ने 9 तारीख को नापी की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नापी शुरू करती हुई नजर आई। तभी हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम मौके पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगा। लोगों का कहना था कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जो नापी हो रही है वो ठीक से नहीं हो रही है। मौके पर मौजूदा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं हुई। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को मौके से खदेड़ा गया, उसके बाद नापी की गई। मौके पर मौजूदा ADM राजस्व रजनीश राय ने कहा कि सरकारी जमीन की नापी हुई है, अगर सरकारी जमीन में कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा। वहीं मृतक प्रेम यादव के वकील गोपीनाथ यादव ने कहा कि जो नापी हुई है वो गलत हुई है, राजस्व टीम मनमानी कर रहा है, नापी में कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है। देखिए, पैमाइश से संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई में शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जब पैमाइश के लिए आए तो मैंने उससे पहले इन्हें कुछ कागजात दिया था, जिसमें राजस्व संहिता की धारा 20 उसकी फोटोकॉपी दिया था। उन्हें बताया कि सीमा चिन्हों के साथ ही जो है इसकी पैमाइश की जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया और प्रशासनिक दबाव में अपना जो है मंसूबा जो है पूरा करने का प्रयास किया। कानपुर शहर के सर्वागीण विकास के चलते नगर निगम मुख्यालय में सदन का आयोजन किया गया। हालांकि सदन की कार्रवाई बजट पूरा न होने के चलते महज 20 मिनट में ही खत्म हो गई। उपसभापति महेंद्र पांडे ने विष्णुपुरी के बीमा चौराहे से रामचंद चौराहे तक मार्ग का नाम प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला के नाम पर रखने की मांग की, जिस पर महापौर की ओर से मुहर लगा दी गई। महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि नवरात्र के चलते मंदिरों और मंदिर जाने वाले रास्तों का विकास साफ सफाई करवाई जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की होने वाली भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि इस भर्ती के बाद एक रजिस्टर महापौर के पास भी रहेगा, जिसमें सभी कर्मचारियों की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। देखिए, ये सदन जो था अस्थगित सदन था, चूंकि बजट जो पास हुआ था तो मिनट तैयार नहीं था, इसलिए हमें बुलाना पड़ा इसको 15-20 मिनट में करके वो सब पास करके ख़त्म करें, ठीक है। इसलिए सदन तो इससे पहले ही था, लेकिन इधर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने के नाते सदन में हम बुला नहीं पाए, ठीक है, अब दूसरा सदन जल्दी बुलाएं। कानपुर महानगर में आयोजित होने वाली रामलीला नवदुर्गा पूजन और दिवाली त्यौहार के मद्देनजर कानपुर जिला प्रशासन शासन से मोचन चैम्बर हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त के 8 नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शामिल हुए दूर से आए रामलीला कमेटी और दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारियों ने महोत्सव में होने वाली समस्याओं की जानकारी दी, सुरक्षा व्यवस्था लगाने की गुजारिश की, जिस पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा देने की बात कही। साथ ही रामलीला के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में साफ सफाई, यातायात बाधित से
लगाने वाले जाम से होने वाली समस्याओं के निराकरण की गुजारिश की है। बैठक में आए समाज सेवक और कार्यक्रम के पदाधिकारियों ने आवारा अराजक तत्व और नशेबाज लोगों पर पुलिस से अंकुश लगाने की अपील की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस 236 पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप लोडर पीछे से कंटेनर ट्रक में टकरा गई। कंटेनर ट्रक के पीछे से टकराकर पिकअप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जोरदार भिड़ंत में पिकअप सवार परिचालक की मौत हो गई, चालक घायल हो गया। यूपीडा और पुलिस कर्मियों ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। घायल चालक को CSC से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गुलूहा बैलौल गाँव के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं आगरा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला हुआ और फायरिंग में बाल बाल वो बच गया। घात लगाए बैठे आधा दर्जन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। गोली लगने से युवक घायल हो गया। पीड़ित ने छुपकर अपनी जान बचाई है। धमकी देकर आरोपी भाग निकले। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराया है। मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना बसौनी क्षेत्र के अंतर्गत लखनपुरा खालसा का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित मेट्रो हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मरीज के साथ आए परिजनों द्वारा मरीज का इलाज कर रहे एक डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के चलते मरीज की जान लेने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, जिसमें सिडकुल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच परिजनों को शांत कराया गया है। मामले की जानकारी ली गई है। जानकारी के मुताबिक श्यामलाल निवासी ज्वालापुर पीठ बाजार को लीवर में खराबी होने के चलते सिडकुल स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्यामलाल का इलाज कर रहे डॉक्टर ने सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी उन्हें सही जानकारी नहीं दी, साथ ही इलाज में लापरवाही बरती, जिसके बाद परिजनों द्वारा मामले की शिकायत की गई है। श्री केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। केदारनाथ में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। केदारनाथ धाम में अभी तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पिछले सभी आंकड़े टूट गए हैं। बीते साल 15,63,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे केदारनाथ धाम। वहीं इस साल रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे हैं, जबकि अभी यात्रा एक माह और चलेगी। केदारनाथ में हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। और यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमने न्यूज वॉल इंडिया ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है। हम घर घर तक, गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं। हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें, तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद, तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज वॉल इंडिया ऐप, यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए न्यूज वॉल इंडिया ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे संभल का, जहां करीब वर्तमान दौर में मोबाइल इंटरनेट का चलन इतना बढ़ गया है कि डाकर और पत्रों की संख्या ना के बराबर हो गई है। लेकिन डाक टिकटों का महत्व यदि जानना हो तो इसके शौकीन मोहम्मद अब्दुल्ला से पूछिए कि वो कितने कीमती होते हैं, उनकी क्या कहानी छिपी होती है। हालांकि प्रत्येक डाक टिकट अपने आप में कहानी, इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए रहता है, जो आम आदमी बिल्कुल भी नहीं जानता। पिछले 1.5 दशक से देशी नहीं विदेशी डाक टिकटों का संग्रह कर रहे मोहम्मद अब्दुल्ला के पास आज डाक टिकटों का खजाना भरा हुआ है। यही नहीं, उनके पास 30 से ज्यादा देशों के अलग अलग डाक टिकट भी मौजूद है। डाक टिकटों के साथ उनके पास भारतीय और विदेशी मुद्राओं का भंडार भरा हुआ है। संभल के दीपसराय स्थित मदरसे के प्रबंधक मोहम्मद अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें डाक टिकट और मुद्राओं को संग्रहित करने का शौक कई सालों से है। उनके पास भारतीय डाक टिकटों के अलावा 30 से ज्यादा देशों के डाक टिकट भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि भारत सहित अन्य देशों के धर्म, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक जानकारियां सहित अन्य अवसरों पर जारी टिकट भी शामिल है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत से लेकर वर्तमान सरकार तक जारी सभी डाक टिकट उनके पास मौजूद है। यही नहीं, 1449
हिजरी का टिकट भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि भारतीय डाक टिकट के अलावा अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरब से 30 से ज़्यादा देशों के डाक टिकट उन्होंने संग्रहित कर रखे हैं। मैं मदरसा इस्लामी आज़ाद मुनव्वर कुरान का प्रबंधक हूँ। अच्छा, विश्व डाक दिवस से ये डाकों का आपने संग्रह किया है ये। जी जी, ये कब से आप कर रहे हैं और कौन कौन से इसमें डाक टिकट हैं? इसे मैं कम से कम 15 साल से कर रहा हूँ और सन 1922 यानी ईरान के टिकट हैं और सरकार आसफिया जो सर 1449 हिजरी का है वो भी टिकट इसके अंदर मौजूद है और जो अंग्रेज दौर के अंदर जितने टिकट्स हैं हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं और जो आज मौजूदा दौर में जो हुकूमत टिकट शाई कर रही है वो भी इसमें सब मौजूद है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर संभल के सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत का दावा दिल की बात नहीं है बल्कि ये बहकाने वाला बयान है, भाजपा दिलों को तोड़ने वाली बात करती है। नई सरकार आएगी तभी छोटे तबके को इंसाफ मिल सकेगा। ये दिल की बात जो आप बात कह रहे हैं ये बहकाने वाला बयान है, यानी बहका रहे हैं वो अपोजिशन पर ये असर डालने के लिए कि वो उनका कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी गवर्नमेंट बन सके। रायबरेली के पुलिस ऑफिस का पोर्टिको उस वक्त कप्तान के दफ्तर में तब्दील हो गया जब पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी जनसुनवाई के बाद खाना खाने घर जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने अपने वाहन के बोनट को मेज बनाया और दर्जनों फरियादियों को वही खड़े खड़े न केवल सुना बल्कि संबंधित माथद को निर्देश भी दिए। लगभग आधे घंटे तक पुलिस ऑफिस के पोर्टिको को ये नज़ारा देख लोग हैरत में पड़ गए। पुलिस ऑफिस के पोर्टिको में क्यों पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई की और क्यों वाहन के बोनट को मेज बनाकर मरहतों को निर्देश देने लगे आपको बताते हैं। दरअसल फरियादियों से बात करने के बाद मालूम हुआ कि ये वो लोग थे जो जिले के दूरदराज इलाकों से आए हुए थे। थानों में सुनवाई न होने के चलते जब ये लोग पुलिस ऑफिस पहुंचे तो जनसुनवाई का समय समाप्त हो गया था। जनसुनवाई के बाद पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक कार्य निपटा रहे थे, लिहाजा इन फरियादियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। 30-35 किलोमीटर दूर से पहुंचे फरियादी मायूस होकर वापस लौट रहे थे तभी पुलिस अधीक्षक जनसुनवाई और प्रशासनिक कार्य निपटाकर बाहर निकले तो बड़ी तादाद में लोगों को वहां खड़ा देखकर चौंक गए। उन्होंने वहां खड़े फरियादियों में से एक के हाथ से एप्लीकेशन देखकर पास बुलाया तो दर्जनों फरियादी पाठकों में खड़े वाहनों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। पुलिस अधीक्षक ने बिना किसी को निराश किए हुए सभी की न केवल फरियाद सुनी बल्कि संबंधित को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी भैया, मेरी समस्या ये है कि मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया, वहाँ भी मेरी कार्रवाई कोई नहीं हुई। वहाँ से मुझे डांट डहबड़िया के भगा दिया गया, कहा गया कि आपकी सवेरे मेडिकल होगी, आपकी कार्रवाई की जाएगी। थाने से आज 5-6-7 दिन की बात हो गई, कोई थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं एससी साहब के यहाँ आई, यहाँ से मैंने कागज़ डाला। झांसी में राज्य कर विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टैक्स में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। 5,000 व्यापारी 6 साल पहले जो टैक्स अदा करते थे अब उससे बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। इन सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर 6 साल पहले दाखिल किए गए रिटर्न का हिसाब मांगा गया है। साथ ही कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया कर अदा की चेतावनी दी है। इससे झांसी के व्यापारियों में खलबली मची हुई है। जुलाई 2017 में GST लागू हो गया। इससे पहले हर महीने फॉर्म 24 पर खरीद बिक्री का ब्यौरा विभाग के पास जमा होता था जबकि टैक्स चालान के जरिए बैंक में जमा किया जाता था। GST लागू होने के बाद व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई, इसके रिटर्न दाखिल करने में व्यापारियों से तमाम गड़बड़ियां हो गई। वहीं अपर आयुक्त राज्य कर धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि झांसी जिले में 2000 और झांसी जोन में 5,000 व्यापारियों सहित अन्य व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं। GST डिपार्टमेंट में झांसी जोन में AI मॉड्यूल के बेसिस पर तथा व्यापारियों के जो डेटा उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैच कराते हुए नोटिस जारी की गई हैं, जिसमें से झांसी जनपद के लिए अब फर्दर एक्शन के लिए जो नोटिस जारी की गई हैं उसमें से 2039 नोटिस जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की धामी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ दौरे के दौरान आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी और जोगेश्वर धाम जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, राज्य की जनता भी प्रधानमंत्री के दौरे का बेसब्री से इंतजार करती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में बद्रीनाथ केदारनाथ का तेजी से विस्तार हुआ, वही अब मानसखंड का विकास होगा। प्रधानमंत्री ने मानसखंड के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री के यहाँ आने से पर्यटन की गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी
उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम, तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कोटद्वार के कोड़ी इलाके के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में शिवराजपुर की रहने वाली 86 वर्षीय स्कूटी सवार महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के साथ ही ट्रक महिला के दोनों पैरों के ऊपर चढ़ गया, जिससे महिला के दोनों पैर कुचल गए। गंभीर हालत में महिला को बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। महिला को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। ये अभी आपने देखा ही होगा, आप भी नीचे ही थी और मुझे तत्काल इन्फॉर्म किया गया, तो मैं भी इस केस को देखने गया 5 मिनट पहले। ये सीमा नाम की लेडी है जो कि एक्सीडेंट जिसका हुआ, ये स्कूटी से जा रही थी, सामने से ट्रक आ रहा था, इन दोनों की एक्सीडेंट में इसको काफ़ी चोटें लगी हैं, क्रश इंजरी आई है, दायां पैर भी काफ़ी इंजर्ड है, क्रश्ड है, बायां पैर तो ऑलमोस्ट कट है वहाँ से क्रश इंजरी के बाद। तो पेशेंट की पूरी प्राथमिक चिकित्सा देकर उसको डॉक्टर्स लगे हुए हैं, मैंने सबको निर्देश कर दिया है, उसको तुरंत ही हायर सेंटर रेफर किया जाएगा ताकि जो भी प्रबंधन हो सके उचित उसकी लाइफ को बचाने के लिए किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। जहां मिलती है आपको सही खबर, जहां होती है आपके मतलब की खबर, जहां होती है आपकी बात, तो ऐसे ही ताजा खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ और अभी डाउनलोड